जय हिंद साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के इंद्रपुरा का लाल बालूराम कुड़ी त्रिपुरा में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। साथियों, वहीं बता दें कि शहीद जवान बालूराम कुड़ी के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में मातमी सन्नाटा परस गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 80 बटालियन BSF त्रिपुरा में बालूराम कुड़ी के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद शासन प्रशासन के लोग घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं अंतिम स्थल की तैयारियों का जायजा लेकर अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया। साथियों, वहीं बता दें कि बालूराम कुड़ी के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर अंतिम पोस्ट नगर सांसद हनुमान बेनीवाल की लगाई थी। उन्होंने अपनी अंतिम पोस्ट में लिखा था, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। कल सुबह शहीद जवान बालूराम का पार्थिव शरीर उनके जिला मुख्यालय लाया जाएगा, जहां स्थानीय शासन प्रशासन के लोग पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देंगे। वहीं सेना के विशेष वाहन को फूलों की माला से सजाकर पार्थिव देह इंद्रपुरा के लिए रवाना किया जाएगा। तिरंगा यात्रा के साथ भारत माता के जयकारों के साथ शहीद जवान का देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ इंद्रपुरा लाया जाएगा, जहां पूरे गांव में तिरंगा लहराकर शहीद जवान बालूराम की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद जवान बालूराम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथियों, वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शहीद जवान बालूराम कुड़ी के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और गांव के आसपास के लोग भारी संख्या में शहीद जवान बालूराम कुड़ी के घर पहुंच गए हैं, जहां परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। भारत माता के वीर सपूत शहीद जवान बालूराम कुड़ी को उनकी सेवाओं के लिए सत सत नमन करता हूँ। वहीं भगवान भारत माता के वीर सपूत बालूराम जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं वीर परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ।